दिल चाहता है वाला जो स्पॉट है उससे अच्छा मुझे तो ये स्पॉट लगा, क्योंकि यहाँ से जो बीच है ना वो बहुत ही मस्त दिखती है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो इस तरफ आना थोड़ा। पर ये बागा और अंजुना के कंपेयर बीच भी छोटा ही है ना, देखना हाँ ज़्यादा बड़ा, वहाँ से शुरू होता है वहाँ ख़त्म होता है, बीच भी दोनों के कंपेयर में बहुत छोटा है। तो मस्त हम लोग अभी बीच पर बैठे हैं ऐसे ही ब्लैक पत्थर पर, एंड यहाँ है बीच। अदर वीडियो, और अभी हम लोग जा रहे हैं चपोरा फोर्ट जहाँ पे दिल चाहता की शूटिंग हुई थी। तो वहाँ पे नीचे आप पार्किंग कर सकते हैं, 20 रुपीज़ है टू व्हील का, 50 आई गेस फोर व्हील का। और वहाँ से आपको 10 या 15 मिनट वॉक करके ऊपर जाना है, बहुत ही थोड़ी धूप है तो हो सके तो थोड़े शाम के टाइम आए, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम। मैं बोलूँगी आ ही ना गोवा इस टाइम पे। बोल क्या बोल रही थी? मैं बोल रही इस टाइम पे गोवा आए ही ना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अब मैं जो लोग गर्मी सह सकते हो उनसे नहीं बर्दाश्त। और आज हमारे साथ सीन हो गया कि नॉर्थ गोवा में पूरी जगह लाइट ही नहीं है। तो सुबह हम लोग बीच गए थे वाटर स्पॉट एक्टिविटी करके, हमने सोचा कि होटल पे जाएंगे नहा धो के एसी में बैठेंगे 1-1.5 घंटा, कुछ नहीं हुआ, नहा धो के वापस वहीं पे आ गए। पार्किंग से थोड़ा ऊपर चलने के बाद सीढ़ी आती है 117 क्या मुझे गिफ्ट दे रही है? हाँ। कितनी? दो? एक देना, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। बड़ी वाली मैं लूँगी, छोटी वाली तू बैठना। फिर ये नहीं, ये वो है भूसा। कौन सा भूसा थी? हाया भूसा नहीं, ये हाया भूसा थी, इसके टायर बड़े होते हैं। पूछ के मुझे एक लेके देना प्लीज प्लीज। पहले तो काम कर, मैं पति है ना, तो गोदी में उठा और लेके जाओ ऊपर मेरे को। किस काम का है तू? अरे भूसा ले देना उसमें बिठा के। बड़ी बड़ी एवेंजर्स की मूवी देखते हैं और मेरे को उठा भी नहीं सकता। नहीं मतलब वो वाली वाइब देते हैं ना, माउंट आबू गुरु शिखर में नहीं थी, शॉप्स थी गुरु शिखर में। शॉप्स थी गुरु शिखर में? हाँ थी ना, गुरु शिखर चल रहा था दोनों तरफ शॉप्स नहीं थी। बट मैंने ये सब हाँ थी बट इतना सारा वैराइटीज ना था वहाँ पर। नहीं थी वैराइटीज थी, मतलब इतनी सारी नहीं थी बट वहाँ पे भी शॉप्स थी दोनों तरफ ना, बीच में सीढ़ियाँ थी। शॉप्स पर इतनी वैराइटीज नहीं थी। मैं तोड़ मत देना, लेना पड़ेगा हमें। हाँ तोड़ कैसे दूंगी, इतने होंगे तो मैं ही ना लूंगा इनको। एंड दिस इज द वागाटोर बीच। दिल चाहता है स्पॉट मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, जहाँ पर शूटिंग हुई थी, और इस तरफ है वागाटोर बीच। तो आप फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, दिस इज द प्लेस। सो यहाँ पे दैट सेल्फी पॉइंट और वो दिल चाहता है वाला जो पॉइंट है उसके अलावा कुछ नहीं है। पीछे ये फोर्ट है, उसके रुइंस है और हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। तो अगर आप वागाटोर के साइड आ रहे हो तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर टू क्लिक फोटोज एंड एवरीथिंग। हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको फोटोज खींचे नहीं, मतलब कोई कोई लोगों को खोते हैं जैसा। इसमें हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हिस्ट्री में, क्या है यहाँ हिस्ट्री के लिए बता? चार लाइनें लिखी थी अंग्रेजी में। इतना कुछ नहीं है हिस्ट्री में। अगर आप पर आप जानना चाहते हो कि दिल चाहता है कि फोर्ट की हिस्ट्री क्या है। चाहता है वाला जो स्पॉट है उससे अच्छा मुझे तो ये स्पॉट लगा, क्योंकि यहाँ से जो बीच है ना वो बहुत ही मस्त दिखती है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो
इस तरफ आना थोड़ा, दिल चाहता वाला जो स्पॉट है उसके एग्जैक्ट सामने की तरफ थोड़ा नीचे उतर के, और ये आपको बीच वाला स्पॉट दिखेगा, रियली अमेजिंग। यहाँ हम लोग 15 मिनट से बैठे हैं, सेल्फीज क्लिक किया, सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको फोटोज़ देखनी है तो वहाँ पे आपको फोटोज़ मिल जाएगी, रियली अमेजिंग जगह। और यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करेंगे नीचे जाते हुए, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे ऑन दिस बीच, ऑन दिस बीच, वहाँ से हम लोग जाते हैं ऑन दिस बीच। क्या हुआ? मेरे पास कैश है नहीं, तो फिर देख लेना जीपे होगा ना भैया। हाँ दे दी, ले हो गया। तेरा कहाँ एयरटेल आ रहा है? ने पति किस लिए रखा है मैंने? देख जीपे एक, दोनों तरफ पहन के जाना। बता ना कैसा लग रहा है? अच्छा है, मस्त है। दोस्तों आप बताइए कैसा लग रहा है पर्स? हमें ले रखा है सर। नहीं, मेरे को वैसे पर्स का बहुत शौक है। नहीं, जब तक ये वीडियो देखे तब हमने ले रखा है सर। नहीं नहीं, राउंड में मैं कुछ नहीं लूँगी, कुछ नहीं लूँगी करके अंजू ने तीन चीज़ें ली, और मैंने क्या लिया? दो पानी की बॉटल। समझ ये लड़की। मैंने करण को बोला कि तू खरीद सकता है, बट ये नहीं खरीद रहा है। मुझे कोई इतना शौक नहीं है, मेरे लिए टी शर्ट ही मिल रहा है, और तो कुछ मिल नहीं रहा। तो तेरे को क्या चाहिए? तेरे को नहीं क्या चाहिए? गहने नहीं चाहिए, गहने। बप्पी ले रही है तेरे को। हम लोग वागाटोर बीच, और जो फोर्ट है फोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पार्क करके आप बीच की तरफ जा सकते हो। लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं क्या क्यों फेमस है ये वागाटोर बीच इतनी है। यहाँ ऊपर से देखा था पब्लिक कंपैरेटिवली कम है, शांति के लिए फेमस है बिकॉज लोग नहीं है। हाँ, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत कम लोग हैं, बागा से कंपेयर में तो 10 गुना लोग कम ऐसा लग रहा है। तो कुंभ का मेला है। चलिए तो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं क्या रेट्स है यहाँ पे। किस चीज़ के रेट जानने तेरे को? क्या खाना सब तो कर लिया हमने। शुरू होता है वहाँ ख़त्म होता है, बीच भी दोनों के कंपेयर में बहुत छोटा है, और पब्लिक भी कम ही है। बैठने की जगह भी ओके कम ही है, अंजुना जितनी पब्लिक ही है, बट अंजुना से बहुत कम बीच है ना, छोटा बीच है। तो मस्त हम लोग अभी बीच पे बैठा है ऐसे ही ब्लैक पत्थर पे, एंड यहाँ है बीच, और इतना नज़दीक बैठा है, बहुत ही अच्छी जगह मिली है बैठने के लिए, और काफ़ी अच्छा क्राउड है, फोटो चल रहे हैं और सेल्फीज चल रही सबकी। हम बैठेंगे आराम से 1 घंटा यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने बात की रिजॉर्ट में अभी तक लाइट नहीं आई है, 1-1.5 घंटे बाद आएगी, तो शायद 7 बजे आएगी। जब तक लाइट नहीं आई तब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ बैठे थक गए, हवा अच्छी चल रही है, सनसेट देख के जाएंगे। अभी तो यही प्लान, सनसेट देख के यहाँ से जाएंगे, थोड़ा टाइम लैप्स का मजा लीजिए तब तक आप लोग। कैसा लग रहा है इतने वॉक करने के बाद मसाज करवा के? अच्छा लग रहा है, मुझे यही अच्छा लग रहा है आगे। फाइनली हम लोग आ गए अपने रूम पे, अभी बज रहे रात के 8:30, और वहाँ हम 7:30 तक बैठे थे, आए फ्रेश हो गए थोड़े से, और हमने एक बात और हमें पता लगी कि हम लोग नाइट पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। हम लोग ट्राई करे 2 दिन से बागा बीच जाने की, नाइट देखने की, हमसे हो ही नहीं पा रहा, हमसे हो ही नहीं पा रहा। 8:30-9 बजते ना ऐसा लगता है भाई चलो सो जाए, क्योंकि एकदम शेड्यूल हो रखा है ना हमारा, सोना 10:30-11 बजे, हमसे रहा ही नहीं जा रहा। इतनी गर्मी है ना कि
पूरा ड्रेन हो रहा है, जितनी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जा रही है। मैं तीन बार नहा रही हूँ, फिर से कर दिन में तीन बार नहा रही हूँ मैं। तो अभी का प्लान ऐसा है कि थोड़ी देर बैठेंगे, 9 बजे डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे कोई भी अच्छी सी प्लेस। तो आई गेस वीडियो यहीं पर रखते हैं, जो प्लेस होगी मैं बता दूंगा, फूड अच्छा या नहीं है, खा सकते हैं नहीं खा सकते। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो और हाँ बाय द वे कल हम लोग जा रहे हैं सुबह साउथ गोवा। सो नॉर्थ गोवा में बस इतना एक्सप्लोर किया, टीटोस लेना में एक्सप्लोर करना था वो नहीं कर पाए, एक दो बीचेस और वो थे तो हम एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते कभी भी। एक दो बीचेस और है जो हम एक्सप्लोर करने थे पर वो भी नहीं कर पाए। सो नॉर्थ में पता नहीं एक्टिविटीज का एक टाइम लग गया, ज़्यादा हमें लगा एक्टिविटीज में 1.5 घंटा लगेगा बट इट टुक अराउंड 3 आवर्स। सो उस पर ज़्यादा वेस्ट हो गया हमारा टाइम। एनीवेज एक्टिविटीज करने लायक है, मतलब हाँ। क्योंकि बीच सारे सेम ही है, बीच में तुम कितना ही बैठोगे लेकिन सारे बीचेस सेम ही है। हमने वही सोचा कि 2-3 कवर करते हैं, बाकी एक्टिविटीज करते हो थोड़ा, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से जो बीच आपको पसंद आए। हाँ। शांति वाले बीच में एक तो मोर जिम कहा था उसने, एक तो आराम बोल कहा था हम लोगों को ना, वो लेकिन थोड़ा दूर पड़ जाता है, वहाँ बहुत शांत है, एक्सट्रीम नॉर्थ में। तो अगर आपको थोड़ा क्राउडेड प्लेस नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए फैमिली टाइम वाला या फिर प्राइवेट प्लेस है, देन यू कैन विजिट दोस टू बीचेस। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप साउथ गोवा चले जाओ, जो हम जा रहे हैं तो ब्लॉग्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कैसा सीन है साउथ गोवा में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो साउथ गोवा वाली सीरीज लाए हो उसके सबसे पहला अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।